नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे एक सुंदर सा फ्लावर मिरर बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का 1 मीटर का 16 पीस कॉर्ड लिया है और वाइट कलर का 16 पीस कॉर्ड लिया है। 6 नंबर का एक राउंड शेप मिरर लिया है, उसी साइज का 2 मेटल का रिंग लिया है फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम का। हैंग करने के लिए एक छोटा सा मेटल का रिंग लिया है। कॉर्ड को हाफ फोल्ड में लेना है और एक बड़ा वाला रिंग और एक छोटा वाला रिंग लेकर इस तरह दोनों रिंग पे एक साथ ऐसे कॉर्ड को फिक्स करके लेना है। ऑरेंज कॉर्ड को फिक्स करने के बाद अब यहाँ पे व्हाइट कलर का जो कॉर्ड है उसे भी दोनों रिंग पे एक साथ ऐसे फिक्स करके लेना है फ्रेंड्स। बाकी जो कॉर्ड है अब यहाँ पे बड़ा वाला जो रिंग है उस पे उसी तरह फिक्स करना है सिंगल रिंग पे। देखिए, एक ऑरेंज कलर कॉर्ड के बाद एक व्हाइट कलर का कॉर्ड आएगा, ऐसे ही सभी कॉर्ड को रिंग पे फिक्स करके लेना है। मैंने यहाँ पे सभी कॉर्ड को फिक्स करके ले लिया है। अब इसे उल्टा करके लेना है इस तरह से। अब 6 नंबर का एक राउंड शेप मिरर लेना है, उसके ऊपर पेपर लगाया है फ्रेंड्स मैंने, उसे ऐसे रखना है और उसके ऊपर से और एक 6 इंच का मेटल का रिंग रखना है और एक एक कॉर्ड से ऐसे रिंग पे पाइपिंग करना है फ्रेंड्स। देखिए, सिंगल कॉर्ड से रिंग पे ऐसे 2 बार रैप करने से पाइपिंग बन जाएगा। इसी तरह हर एक कॉर्ड से रिंग पे पाइपिंग करके लेना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरे रिंग पे पाइपिंग करके ले लिया है कॉर्ड से। अब यहाँ पे किसी भी 4 कॉर्ड को लेकर बिग आमला नॉट डालना है फ्रेंड्स। देखिए, मैंने यहाँ पे ऊपर हैंग करने वाला जो रिंग है उसके साइड से 4 कॉर्ड लिया है। पहला वाला जो कॉर्ड है उसे लूप करके लेना है, सेकेंड वाला जो कॉर्ड है उस लूप के ऊपर से रैप करके और एक लूप करके लेना है। थर्ड वाला जो कॉर्ड है उसे दोनों लूप के ऊपर से रैप करके और एक लूप करके लेना है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह तीनों लूप का जो कॉर्ड है नीचे आ गया है। अब फोर्थ वाला जो व्हाइट कलर का कॉर्ड है इस तीनों लूप के ऊपर से टाइटली रैप करके अंगूठे से पकड़ना है इस तरह से। देखिए, वो साइड में ही रहेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट लूप का जो नीचे कॉर्ड है उसे ऊपर कर देना है। ये फर्स्ट लूप का कॉर्ड है फ्रेंड्स, देखिए इसे खींचने से ये छोटा हो जाएगा, तो फर्स्ट लूप का जो कॉर्ड है ऊपर कर देना है। सेकेंड लूप का जो नीचे कॉर्ड है, देखिए सेकेंड लूप का जो नीचे कॉर्ड है उसे फर्स्ट लूप के अंदर से ऐसे खींच के लेना है। बाद में थर्ड लूप का जो व्हाइट कलर कॉर्ड है उसे ऑरेंज कलर का जो 2 लूप है उसके अंदर से ऐसे लेना है। अब फोर्थ वाला जो कॉर्ड है रैप किया हुआ उसे तीनों लूप के अंदर से ऐसे खींच के लेना है। अब यहाँ पे नीचे से एक एक करके कॉर्ड को खींचना है फ्रेंड्स, बीच में अंगूठा ऐसा ही रहेगा, उसे टाइटली वैसे ही पकड़ के रखना है और नीचे से तीनों कॉर्ड को खींचना है। बाद में ऊपर का 2 लेफ्ट साइड के कॉर्ड को खींचकर राइट साइड के कॉर्ड को भी खींच देना है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, नॉट बहुत ही सुंदर दिखता है। एंड में देखिए, आप नीचे से सभी कॉर्ड को खींचकर टाइट करके लेना है, बाद में ऊपर से तीनों कॉर्ड को धीरे से खींचकर नॉट कंप्लीट करना है। देखिए, एक एक करके ऐसे कॉर्ड को खींच के लेना है। देखिए फ्रेंड्स, सुंदर सा बिग आमला नॉट रेडी हो चुका है, ऐसा दिखेगा। एक नॉट बन चुका है। अब नेक्स्ट का और 4 कॉर्ड लेना है और सेम पहले जैसे लूप करके नॉट डाला था वैसे ही नॉट डालना है।
फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे सेकेंड नॉट भी बन चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट का चार चार कॉर्ड लेकर बिग आमला नॉट डालते हुए पूरा एक राउंड कंप्लीट करके लेना है। और एक बार नॉट डालना दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, आराम से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स इस नॉट को। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे तीन नॉट बन चुका है, देखें। ऐसे ही नेक्स्ट का चार चार कॉर्ड लेना है, बिग आमला नॉट डालते हुए पूरा एक राउंड कंप्लीट करके लेना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बिग आमला नॉट डाल के पूरा एक राउंड कंप्लीट करके ले लिया है। अब यहाँ पे देखें, दो नॉट में से यहाँ पे किसी भी दो नॉट में से बीच का चार कॉर्ड, दोनों नॉट में से दो दो कॉर्ड होगा फ्रेंड्स। देखें इस तरह से बीच का चार कॉर्ड लेना है और यहाँ पे बिग आमला नॉट डालना है। देखें फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे एक पेटल बन चुका है। अब आगे नेक्स्ट दो नॉट के बीच में गैप होगा और नेक्स्ट का दो नॉट लेना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दो नॉट है, उसके बीच का यानी दोनों नॉट में से दो दो कॉर्ड लेना है और फिर से आमला नॉट डालना है। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे सेकेंड पेटल भी बन चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट का दो दो नॉट लेकर उसमें से दो दो कॉर्ड लेकर ऐसे ही एक एक पेटल बनाते जाना है फ्रेंड्स, पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे टोटल एट पेटल बन चुका है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एट ब्लू कलर का बीड्स ले रही हूँ, बड़ा वाला। अब यहाँ पे एक 2 मीटर का कॉर्ड लेना है, एक्स्ट्रा कॉर्ड लेना है फ्रेंड्स यहाँ पे। उस कॉर्ड को जलाकर किसी भी एक पेटल के पीछे जलाकर स्टिक कर देना है। अब इस 2 मीटर के कॉर्ड में एक बीड्स डालना है और उसके बाद नेक्स्ट का जो पेटल है उसके जो कॉर्ड है उससे यहाँ पे इस कॉर्ड पे जो 2 मीटर का कॉर्ड है उस पर पाइपिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सिंगल कॉर्ड से 2 बार रैप करने से पाइपिंग बन जाएगा। ऐसे ही हर एक कॉर्ड से रिंग पे पाइपिंग करके करते जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पेटल का जो कॉर्ड है पूरा पाइपिंग करके कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से एक बीड्स डालना है और नेक्स्ट पेटल का जो कॉर्ड है उससे पाइपिंग करना है। ऐसे ही एक एक पेटल के बाद फिर से बीड्स डालकर सेम पाइपिंग कंटिन्यू करना है, पूरा एक राउंड ऐसे ही कंप्लीट करके लेना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे एक राउंड पाइपिंग कंप्लीट हो चुका है, बीच बीच में मैंने बीड्स भी डाला है फ्रेंड्स।
देखिए अब नेक्स्ट राउंड के लिए उसी 2 मीटर का जो कॉर्ड है उसी कॉर्ड को लेकर ऐसे बीड्स के अंदर से लेना है, ब्लू कलर का जो बीड्स डाला हुआ है उस बीड्स के अंदर से 2 मीटर का जो कॉर्ड है उसे लेना है इस तरह से। अब इस कॉर्ड पे सेम पाइपिंग कंटिन्यू करना है। देखें नेक्स्ट का जो पेटल है उसके कॉर्ड से ऐसे पाइपिंग कंटिन्यू करना है। फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे एक पेटल तक का पाइपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पेटल पे जाते वक्त हमें बीड्स के अंदर से फिर से कॉर्ड को लेना है इस तरह से, और उसके बाद नेक्स्ट पेटल का जो कॉर्ड है उससे यहाँ पे पाइपिंग करना है। ऐसे ही एक एक पेटल का कॉर्ड जो है पाइपिंग करने के बाद बीड्स के अंदर से कॉर्ड को लेना है और नेक्स्ट पेटल का पाइपिंग करना है। फ्रेंड्स ऐसे ही पूरा एक राउंड कंप्लीट करके लेना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पूरा एक राउंड पाइपिंग कंप्लीट करके ले लिया है। लास्ट पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट का जो बीड्स है उसके अंदर से कॉर्ड को फिर से लेना है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो बचा हुआ कॉर्ड है उसे कट कर देना है और जलाकर वहीं पे पीछे की तरफ से स्टिक कर देना है पेटल के पीछे। देखिए फ्रेंड्स मैंने ऊपर और एक पेटल बनाया है, मैं दिखाती हूँ अभी कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो बीड्स के बाद यहाँ पे कॉर्ड्स है, देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में नॉट डाला था वैसे यहाँ पे भी चार चार कॉर्ड लेकर आमला नॉट डालना है। मेरे यहाँ पे एक आमला नॉट बन चुका है, नेक्स्ट का 4 कॉर्ड लेकर फिर से यहाँ पे आमला नॉट डालना है। फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे सेकेंड नॉट भी बन चुका है। अब यहाँ पे दोनों नॉट में से बीच का 4 कॉर्ड लेना है, दोनों नॉट में से 2-2 कॉर्ड होगा और यहाँ पे फिर से बी गामला नॉट डालना है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे ऊपर जो है आमला नॉट रेडी हो चुका है। देखिए ऊपर का पेटल भी बन चुका है, नीचे जैसे पेटल बनाया था वैसे ही ऊपर भी बनाया है। ऐसे ही नेक्स्ट का 4-4 कॉर्ड लेकर पेटल बना के लेना है पूरा एक राउंड। फ्रेंड्स मैंने ऊपर देखिए इस तरह से पेटल बनाया है। अब यहाँ पे एक पेटल में 8 कॉर्ड है। फ्रेंड्स देखिए स्टार्टिंग का पहला वाला जो कॉर्ड है उसे लेकर उसके ऊपर से नेक्स्ट कॉर्ड से पाइपिंग करना है। इस तरह 3 कॉर्ड से इस कॉर्ड पे पूरे पाइपिंग करके लेना है। अब लेफ्ट साइड का जो कॉर्ड है उसे लेना है और उसके ऊपर से नेक्स्ट कॉर्ड से ऐसे पाइपिंग करना है। 3 कॉर्ड से पाइपिंग होगा। फ्रेंड्स देखिए एक के बाद नेक्स्ट का 1 कॉर्ड होगा और उसके बाद और 1 कॉर्ड होगा। इस तरह 3 कॉर्ड से पाइपिंग करके लेना है। देखिए फ्रेंड्स बीच में 2 कॉर्ड आ चुका है। अब यहाँ पे व्हाइट कलर कॉर्ड पे ऑरेंज कलर कॉर्ड से पाइपिंग कर देना है। यहाँ पे एक पेटल रेडी हो चुका है, ऐसे ही नेक्स्ट पेटल पे भी पाइपिंग करके लेना है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे बचा हुआ जो कॉर्ड है उसे इस तरह कट कर देना है। सभी पेटल के जो कॉर्ड है ऐसे ही कट करके लेना है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे कॉर्ड को जलाकर पेटल के पीछे की तरफ से स्टिक कर देना है इस तरह। ऐसे ही हर एक पेटल के कॉर्ड को कट करके पीछे की तरफ स्टिक कर देना है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे सुंदर सा फ्लावर मिरर रेडी हो चुका है। देखिए पीछे की तरफ से ऐसे लगेगा, हैंग करने के लिए रिंग भी है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और इस फ्लावर मिरर को ज़रूर आप बना के देखें।